नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। आज के टाइम में हर कोई खुद का बिजनेस खोलना चाहता है और अपना नाम बनाना चाहता है, लेकिन खुद का बिजनेस बनाकर उसमें सक्सेस हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस के दम पर खुद का नाम बनाया है। इन्हीं नामों में से एक नाम है नमिता थापर का। नमिता थापर बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम बन चुकी हैं। वो फार्मा सेक्टर में काम करती हैं और बिजनेस वुमेन के रूप में काफी पॉपुलर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको नमिता थापर कौन है, क्या है उनकी बायोग्राफी और क्या है उनकी फैमिली, ये सब बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि नमिता थापर एक बिजनेस वुमेन है और एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की सीईओ के रूप में काम कर रही हैं। बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली नमिता थापर टीवी पर एक रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज नजर आई हैं और वो उससे काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। इसके साथ ही नमिता इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड की संस्थापक और सीईओ के पद पर भी हैं। मशहूर बिजनेस वुमेन नमिता थापर किस मार्च 1977 में पुणे में जन्मी थी। महाराष्ट्र में रहने के चलते उनकी शुरुआती पढ़ाई पुणे से ही हुई। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नमिता थापर ने पुणे के ही पुणे यूनिवर्सिटी से हासिल की। इतनी पढ़ाई करने के बाद नमिता ने साल 2001 में ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से अपनी MBA की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नमिता थापर के करियर की शुरुआत अमेरिका के ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन गाइडेंट कॉरपोरेशन से हुई थी। यहाँ काम करते हुए नमिता ने कई अलग अलग पदों पर काम किया था। नमिता थापर ने यहाँ कुछ सालों तक काम करने के बाद भारत का रुख किया और यहाँ रहकर अपने बिजनेस करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। नमिता थापर ने भारत में वापस आने के बाद एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के साथ अपने बिजनेस करियर को आगे बढ़ाया। फिलहाल नमिता इस कंपनी के सीईओ के पद पर हैं और कंपनी को आगे बढ़ा रही हैं। यही नहीं, नमिता थापर इसके साथ ही इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड संस्थापक और सीईओ के पद पर भी काम कर रही हैं। नमिता थापर के पति का नाम विकास थापर है। विकास और नमिता के दो बच्चे हैं जिनके नाम वीर थापर और जय थापर हैं। ये कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से बिता रहा है। नमिता थापर अपने बिजनेस और अपने अन्य कामों के चलते काफी अच्छा पैसा कमाती हैं। बिजनेस वुमेन नमिता थापर की नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि वो फैशन की दुनिया में भी सबसे आगे दिखती हैं। नमिता खुद को फैशनिस्ट मानती हैं। नमिता थापर का इंस्टाग्राम उनके स्टाइल लुक से भरा पड़ा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो कितनी फैशनेबल लग रही हैं। नमिता खुद भी मानती हैं कि एक बिजनेस लीडर एक फैशनिस्ट भी हो सकती है। खुद को पैम्पर करने के लिए वो बहुत मेहनत करती हैं और इस मस्ती के लिए टाइम निकाल ही लेती हैं। नमिता थापर को बुक्स पढ़ना और ट्रैवल करना काफी पसंद है। वो शार्क टैंक इंडिया नाम के शो में एक जज के रूप में नजर आ रही हैं। ये शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रिलीज किया गया है। इनके उसमें साथ ही पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, विनीता सिंह आदि भी बतौर जज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नमिता थापर की अनन्या पांडे से भी तुलना की गई है। अंकित उत्तम ने नमिता थापर के लिए लिखा, नमिता थापर अपनी कंपनी एमक्यू फार्मा की संस्थापक नहीं है। ये कंपनी उनके पिता ने शुरू की थी और अभी भी इसके सीईओ हैं। तो कुछ लोगों को उनकी साख बॉलीवुड में अनन्या पांडे के समान लग सकती है। बता दें कि नमिता थापर के पिता का नाम सतीश मेहता है, जिन्होंने साल 1981 में एमक्योर फार्मास्यूटिकल की शुरुआत की थी। इसी के चलते नमिता थापर इन दिनों सुर्खियों में भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।